स्टूडेंट्स, आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर अच्छे से बना लिया। बहुत सारे मॉलिक्यूल का आपने स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। देखो, जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम बना रहे थे तो कुछ मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर एक से ज्यादा भी होता है। आई रिपीट, कुछ मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर एक से ज्यादा भी होता है, तो उसमें कौन सा स्ट्रक्चर फेवरेबल होगा, कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा पॉसिबल है, ज्यादा स्टेबल है, इस चीज की जानकारी अब हम नेक्स्ट निकालेंगे फॉर्मल चार्ज से। फॉर्मल चार्ज में क्या होता है, अंदर ही अंदर हर एटम के ऊपर चार्ज होंगे, एक चार्ज होंगे, ठीक है, बट ये रियल चार्ज नहीं होंगे, ये अंदर ही अंदर एक चार्ज होंगे जो ये बताएगा उस एटम की पोलारिटी क्या है। एंड द कंसेप्ट इज लेस बी द चार्ज, लेस बी द फॉर्मल चार्ज, मोर स्टेबल इज द स्ट्रक्चर, मोर स्टेबल इज द स्ट्रक्चर। तो जिस मॉलिक्यूल की फॉर्मल चार्ज जितनी कम होगी वो उतना स्ट्रॉन्ग लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएगा, उतना स्टेबल लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज का मेन यूज है कि ये पता करने के लिए विच इज स्टेबल मॉलिक्यूल इन द सेंस ऑफ स्ट्रक्चर। बेटा देखो, फॉर्मल चार्ज को समझने के पहले मैंने क्या किया, आपको एक एग्जाम्पल दिया N2O का। इसका मैंने दो स्ट्रक्चर बनाया, दिस फर्स्ट वन एंड दिस इज सेकेंड वन, ठीक है। इस दोनों स्ट्रक्चर में हमने ये देखा कि यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर प्लस और माइनस चार्ज दिख रहा है, और ये जो स्ट्रक्चर है इसमें कोई चार्ज नहीं दिख रहा, लेकिन तीनों एटम दोनों केस में सेटिस्फाई है विद 8 इलेक्ट्रॉन। बट द कंसेप्ट इज मोर इज द चार्ज ऑन अ मॉलिक्यूल, लेस बी द स्टेबिलिटी। चार्ज इज ऑलवेज बैड फॉर स्टेबिलिटी, चार्ज इज ऑलवेज बैड फॉर स्टेबिलिटी, इधर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज और बोथ चार्ज, चार्ज इज ऑलवेज बैड फॉर स्टेबिलिटी। ये याद रखिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो इस दोनों मॉलिक्यूल में ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब देखो, यही चीज हम फॉर्मल चार्ज में पढ़ने वाले हैं कि किस एटम के अंदर, अगर मैंने ये माइनस लिखा है बेटा और ये प्लस लिखा है, तो ये आया कहां से, ये अंदर ही अंदर आया होगा, क्योंकि ओवरऑल N2O के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, ये प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, तो ये चार्ज अंदर ही अंदर है। इसी चीज को हम समझेंगे फॉर्मल चार्ज से, इसके कंसेप्ट से। तो फॉर्मल चार्ज अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एक एटम का अगर हम निकालते हैं तो उसके लिए कुछ सेट ऑफ फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं सपोज दैट कोई NO2 का, तो NO2 में बेटा मेरा डायग्राम ये है, ठीक है, लेकिन हम निकालेंगे ना तो अंदर ही अंदर ऑक्सीजन में, अंदर ही अंदर नाइट्रोजन में कुछ ना कुछ चार्ज है जो आपको दिख नहीं रहा है बाहर से, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चार्ज होता है, ठीक है। तो इसी चार्ज को अब हम कैलकुलेट करेंगे वाया फॉर्मूला। तो देखो, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है आप समझते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन अ लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या होता है, जिस एटम का निकालना है उस एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर एटम की बात कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम, मतलब क्या हुआ, हर एटम का कुछ ना कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा जब वो कंबाइन नहीं कर रहा है, तो उसी को बोला गया फ्री एटम। मतलब ऑक्सीजन जब बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहा है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6, तो वही बोला फ्री एटम। माइनस, अगर ऑक्सीजन बेटा बॉन्ड बना रहा है तो कुछ ना कुछ तो लोन पेयर बचेंगे ही, तो माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब लोन पेयर कितने बच गए, माइनस हाफ इनटू जितने बॉन्ड बनाए हैं ना उतने इलेक्ट्रॉन। अगर मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दो बॉन्ड बनाए हैं तो दो, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, दो बॉन्ड में चार इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ हो जाएगा 4। तो ये एक फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज किसी भी एटम का कैलकुलेट करने का। अब हम देखेंगे एक एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल लिया है ओजोन मॉलिक्यूल O3, ठीक। तो लुईस स्ट्रक्चर ऑफ O3 कैसा बना, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड
और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना दिया, ठीक है, सिंगल बॉन्ड बना दिया, ओके। इसको मैंने माना ऑक्सीजन नंबर वन, दिस इज ऑक्सीजन नंबर टू, इसको ऑक्सीजन नंबर थ्री, तीन ऑक्सीजन को तीन नंबर मैंने दिया, ठीक है, ओके। अब हमें हर ऑक्सीजन एटम का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो क्या है, सेंट्रल ऑक्सीजन एटम मतलब जिसको हमने वन माना उसकी बात करते हैं, ठीक है। देखो इस ऑक्सीजन एटम का, हर ऑक्सीजन एटम का इवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, सिक्स, ओके। अब देखो इसमें लोन कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किए, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किए का मतलब वो बॉन्ड नहीं बनाए। तो ऐसे दो इलेक्ट्रॉन है, एक और एक दो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किए, तो माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, माइनस वन बाई टू इनटू, अब क्या है कितने ये बॉन्ड बनाए हैं, तो वन बॉन्ड, टू बॉन्ड, थ्री बॉन्ड, थ्री बॉन्ड बनाया है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, थ्री बॉन्ड, थ्री इंटू टू, सिक्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो माइनस वन बाई टू इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऑक्सीजन जो वन है इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो प्लस का चार्ज है, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन पे, फर्स्ट ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया जिसको मैंने ब्लू से दिखाया, ठीक है। अब बात करते हैं टर्मिनल ऑक्सीजन एटम मतलब नंबर टू वाला, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके भी सिक्स होंगे, कोई डाउट नहीं, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो वन टू थ्री फोर, चार नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, माइनस हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, तो ये ऑक्सीजन दो ही बॉन्ड बनाया ना, वन और टू, तो दो बॉन्ड मतलब टू इंटू टू, फोर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो हाफ इंटू फोर। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो इसके ऊपर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं आएगा, ठीक ना। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द टर्मिनल ऑक्सीजन मतलब मार्क थ्री वाला, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, छह, ओके। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने आपको दिख रहे, देखो तो एक नॉन बॉन्डिंग, दो, तीन, चार, पांच, छह, छह के छह इलेक्ट्रॉन आपको दिख गए, माइनस वन बाई टू इंटू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, वन टू, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन तो दो दिख रहे हैं, टू, चार्ज कितना आएगा, माइनस वन। तो अब बेटा देखो जो हमने डायग्राम बनाया है O3 का, वो ये हो गया एक ऑक्सीजन में प्लस और एक पे माइनस, अंदर ही अंदर, लेकिन हम बात करेंगे बताओ O3 के ऊपर क्या चार्ज है, तो O3 के ऊपर जीरो चार्ज है, लेकिन उसके अंदर ही अंदर एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज प्लस और माइनस है। तो ये पूरा था O3 का एग्जांपल से बताना कि कैसे फॉर्मल चार्ज किसी भी मॉलिक्यूल में एटम का आप निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर्मल चार्ज के कुछ एप्लीकेशंस हैं, क्यों हम लोग निकालें देखो, और कुछ बातें जो फॉर्मल चार्ज रियल चार्ज से कैसे अलग होता है। जैसे मैंने लिखा बेटा O माइनस टू, दिस इज रियल चार्ज, सी एन माइनस, दिस इज रियल चार्ज, दिस इज नॉट फॉर्मल चार्ज, ठीक है। इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट फॉर्मल चार्ज डू नॉट इंडिकेट रियल चार्ज सेपरेशन विद इन द मॉलिक्यूल, इट इंडिकेटिंग द चार्ज ऑन द एटम इन द लुईस स्ट्रक्चर ओनली हेल्प इन कीपिंग ट्रैक ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल। मतलब फॉर्मल चार्ज आपको ये बता रहा है कि लुईस स्ट्रक्चर में अंदर ही अंदर क्या चार्ज हो रहा है। फॉर्मल चार्ज हेल्प इन द सेलेक्शन ऑफ लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फॉर्मल चार्ज का मेन क्या हेल्प हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, लोवेस्ट एनर्जी वाले स्ट्रक्चर के बारे को सेलेक्ट करो फ्रॉम द नंबर ऑफ लोवेस्ट पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर ऑफ गिवन स्पीसीज, ठीक है। जब आपके पास बहुत सारे लुईस स्ट्रक्चर होंगे तो जिसकी एनर्जी कम होगी वही स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे। तो अब ये बात पता चला कि सर लोवेस्ट एनर्जी कैसे पता चलेगा, तो लोवेस्ट एनर्जी ऐसे पता चलेगा बेटा कि जिस मॉलिक्यूल के ऊपर कम से कम चार्ज होगा, जिस मॉलिक्यूल के ऊपर कम से कम चार्ज होगा
उसकी एनर्जी उतनी कम होगी और वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो लोअर एनर्जी इज द मोर स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ये हमने सबसे पहला दिन बॉन्डिंग में बताया था। तो ये था जनरली द लोवेस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चर हैविंग द लोवेस्ट फॉर्मल चार्ज ऑन द एटम। तो जो एटम पे जितना कम एनर्जी होगा वो उतना बेस्ट स्ट्रक्चर होगा, वो उतना बेस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल होगा। तो ये आज का जितना जो टॉपिक था ना, उसमें हमने पूरा डिस्कस किया कि फॉर्मल चार्ज होता क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, और वो किसी भी एटम में निकालते कैसे हैं। तो इसके लिए मैंने एक ओजोन का एग्जांपल दिया और हर ऑक्सीजन एटम पे कैलकुलेट किया। ठीक है बेटा, तो यहां तक था फॉर्मल चार्ज का कंसेप्ट, खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे वैलेंस बैंड थ्योरी, सबसे इंपॉर्टेंट है बॉन्डिंग वन कैसे रहा, ऑर्बिटल कंबाइन कैसे हो रहा है। तो हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है।